Hello everyone, welcome to my channel, Dr. Gunjan's Classes. I'm Dr. Gunjan and today we are going to complete our chapter number 2, class 10th ka hum chapter number 2 aaj is video mein complete karne wale hain. So this is the last part of this chapter. So make sure to see the other 7 parts of this chapter and then come back to this part and watch this part. And also read your NCERT book. I will keep on reminding you to go through your NCERT book because that is very important from your CBSE point of view. Okay, so let's get started with the last part of this chapter. So these are the contents. So these are the products which we get from the sodium chloride. तो फर्स्ट प्रोडक्ट हम लोग कर चुके हैं सोडियम क्लोराइड से जो हमें मिला था और उसके जो फर्दर प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे रिएक्शन में क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस उनके फर्दर यूजेस भी हम कर चुके हैं. आज हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर से स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हमें मिलता है जब हम लोग क्लोरीन गैस को जो हमारी उसमें लास्ट में बनी थी क्लोरीन गैस उसको हम लोग ड्राई स्लेक लाइन के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है. हमारे पास बन जाता है CaOCl2 दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. क्या बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग पाउडर. सो व्हेन क्लोरीन गैस इज पास टू द dry slake line then calcium oxychloride is formed and water is also formed as a product. So this is a bleaching powder. So ye iska structure hai yahan pe de rakha hai. So calcium oxychloride to iske uses dekh lete hain hum. Iske uses kya kya hain. So ye hamara as a disinfectant use hota hai water ko clean karne ke liye weed killers ke liye. और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है. वुड पेपर पल्प में भी इसका यूज है. एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये यूज होता है इन पेपर इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सो इट हैज वेरियस यूज. सो यू कैन सी दिस ब्लीचिंग पाउडर. ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच वी गेट. नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा क्या होता है. बेकिंग सोडा सब लोगों ने सुना होगा. हमारे घरों में बहुत यूज होता है बेकिंग सोडा. हम लोग जब केक बेक करते हैं या इसके और भी बहुत सारे यूजेस है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा बनता कैसे. सो इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग जो क्लोर एल्कली प्रोसेस था ना. क्लोर एल्कली प्रोसेस ठीक है जो हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखा था ठीक है जिसमें क्लोरीन और एल्कली फॉर्म होता है ठीक है NaOH बनता है क्लोरीन बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है वो वाला क्लोर एल्कली प्रोसेस. उसके एक प्रोडक्ट से अभी हम पढ़ के चुके हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा. अभी हम क्या बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कैसे बनेगा. बेकिंग सोडा बनेगा हमारा सॉल्वे प्रोसेस से. कौन से प्रोसेस से. सॉल्वे प्रोसेस से. तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ब्राइन ब्राइन रिमेम्बर ब्राइन वो सॉल्यूशन है NaCl इन वाटर. जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करते हैं ब्राइन क्या होता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. जब NaCl वाटर में इसको ब्राइन बोला जाता है. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बन जाता है. हमारे पास बन जाता है हमारा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है इसका. इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन जाता है ठीक है. इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है इन कॉमन लैंग्वेज ठीक है. तो जो CO2 कहाँ से आया कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ CO2 ठीक है. सो बेकिंग सोडा की हमने प्रेपरेशन देख ली कि किस तरह से बेकिंग सोडा बना. ये सॉल्वे प्रोसेस से बनता है. सो ये एक सॉल्वे प्रोसेस है. सो इस प्रोसेस को हमारी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ये पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई है
सॉल्वेंट प्रोसेस होता क्या है, किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम बेकिंग सोडा की कुछ वो कर लेते हैं यूजेस। ठीक है, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं? एक तो हमारा यूज आ गया इसका कि ये बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, देन ये एंटासिड का काम करता है। अभी हम बहुत जगह पढ़ चुके हैं कि बेकिंग सोडा जो है वो एंटासिड का काम करता है। ठीक है, और टूथपेस्ट में पाया जाता है जस्ट टू मेक टीथ वाइट और हमारा एसिडिक कंटेंट जो बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, देन प्लेक फ्री करने के लिए टीथ को इसको यूज करते हैं। ऑर्नामेंट्स को चमकाने के लिए, सिल्वर को जब क्लीन करना हो तो आप बेकिंग सोडा को ब्रश को लेकर साफ करते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो उसका शाइन वापस आ जाता है। देन ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज होता है। सो रिमेंबर दीज यूजेस बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अभी हम बात करा, बेकिंग पाउडर कहाँ से बनेगा? बेकिंग पाउडर जो है ये बैटर को स्पॉन्जी बनाने में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर एक्चुअल में बेकिंग सोडा से बनता है। बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हीट करने पे। ये बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हम इसको हीट करते हैं ये क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और वाटर प्रोड्यूस करता है। सब यही बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर किस चीज का मिक्सचर है? बेकिंग सोडा का और कुछ माइल्ड एडिबल एसिड्स का। जनरली टार्टरिक एसिड मिक्स किया जाता है बेकिंग सोडा में ताकि बेकिंग पाउडर हम बना सकें। ठीक है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। जो बेकिंग पाउडर होता है हमारा, बेकिंग पाउडर ये मिक्सचर किस किस चीज का है? बेकिंग सोडा का, और इसमें माइल्ड क्वांटिटी में टार्टरिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, NaHCO3 प्लस C4H6O6 को डाला गया तो क्या बन गया हमारा? Na2C4H4O6। ठीक है, तो CO2 गैस बनी साथ में वाटर फॉर्म। सो व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही ब्रेड्स और केक्स को फ्लफी बनाती है। ठीक है, तो और जो टार्टरिक एसिड होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है? वो बिटर टेस्ट को रिमूव करता है। जो सोडियम कार्बोनेट की वजह से बिटर टेस्ट बनता है उसको रिमूव करने के लिए टार्टरिक एसिड काम करता है। और आप देखेंगे आपका केक, जब आप बेकिंग पाउडर डालेंगे केक में तो आपका केक या ब्रेड किसी भी चीज को बेक करना है तो यू यूज बेकिंग पाउडर। व्हेन यू डू दैट उसका वो फ्लफी हो जाता है। ठीक है, वो फ्लफीनेस किसके कारण होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज प्रोड्यूस्ड, दैट कॉजेज द फ्लफीनेस। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द बेकिंग पाउडर। देन कम्स द वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा का प्रेपरेशन मेथड आप देखिए। सो ये भी सॉल्वेंट प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। ठीक है, सो यू शुड नो द नेम ऑफ द प्रोसेस, सॉल्वेंट प्रोसेस एंड क्लोर एल्कली प्रोसेस, दो प्रोसेसेस किए हमने। ठीक है, देन ये थर्मल डिकम्पोजिशन होती है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ठीक है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले क्या होगा? NaCl CO2 NH3 वाटर की प्रेजेंस में वही हमारा ब्राइन जो है फिर इनसे रिएक्ट करता है तो ये बनता है NaHCO3 बनता है। जब NaCH3 को हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? Na2CO3। तो जो ये Na2 सोडियम कार्बोनेट जो ये फॉर्म होता है ये ड्राई होता है, ये ड्राई होता है, इसको सोडा एशो एनहाइड्रोसोडियम कार्बोनेट बोलते हैं क्योंकि इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा नहीं हुआ, ये ड्राई है। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वॉटर मॉलिक्यूल। तो जब ये वॉशिंग सोडा को ऑप्टेन करना है हमें तो हमें इसकी रिहाइड्रेशन करनी पड़ती है, यानी कि इसको वॉटर मॉलिक्यूल से पास करना पड़ता है। जब इसको हम वॉटर मॉलिक्यूल से पास करते हैं तो इसके साथ वॉटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और ये बन जाता है हमारा वॉशिंग सोडा। और इसका जो केमिकल नेम है उसको बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट डेका। डेका मीन्स 10, डेका हाइड्रेट।
sodium bicarbonate decahydrate, that is a washing soda. So sodium carbonate एक crystalline solid होता है जो पानी में soluble होता है, ठीक है, जबकि बाकी सारे carbonates ज्यादातर पानी में insoluble. ओके, अगर हम यूजेस की बात करें वॉशिंग सोडा के यूजेस की, तो क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, स्पेशली रूरल एरियाज में सोडा डाला जाता है, वॉशिंग सोडा डाला जाता है कपड़ों को वॉश करने के लिए, ठीक है. परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, और इसके कुछ ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है. सो इट इज यूजफुल ओवर देयर ऑल्सो. देन इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ज्यादातर सॉल्ट्स में वॉटर मॉलिक्यूल होता है, जितने सॉल्ट बनते हैं उनके अंदर वॉटर होता है, तो उसको हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं. जब वॉटर मॉलिक्यूल सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोला जाता है, वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा मीन्स फाइव, पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. सो व्हेन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण ब्लू कलर होता है. तो जब आप इसको, इस पूरे चीज को, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट करेंगे, पानी को रिमूव करेंगे, तो ये अपना वाइट कलर, ये अपना ब्लू कलर खो देता है. ये कौन सा कलर बन जाता है, ग्रे वाइट, एक ग्रेइश वाइट कलर बन जाता है, ठीक है. तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल हट गया, वाटर मॉलिक्यूल हट गया तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एनहाइड्रस. हाइड्रस मीन्स वाटर, वाटर के आगे एन लगा दिया तो यानी कि वाटर हट गया, हीट से हमने पानी निकाल दिया इसके अंदर से, दैट बिकम्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. तो पर जब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में जब हम वाटर इसमें ऐड कर दे, जब हीट करते हैं तो पानी निकल गया, पर जब हम इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो इसका ब्लू कलर वापस आ जाता है. So it again becomes blue in color. So water of crystallization क्या है कि salt के अंदर water molecules का presence होना, present होना water of crystallization कहलाता है. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले ये देखिए, so water molecules में, sorry, salts में water molecules का present होना water of crystallization कहलाता है. So अब हम बात करने वाले हैं plaster of Paris. Plaster of Paris क्या है, plaster of Paris आप लोगों ने सुना होगा, ये इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बट आपको पता नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि जब हम जिप्सम को, ठीक है, 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है. अब वो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल पानी का इसके साथ रह जाता है, हाफ मॉलिक्यूल, जिसका हाफ मॉलिक्यूल रह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. जबकि अगर इसके साथ वापस से हम लोग पानी डाल दें, इसमें पानी डाल दें, तो उसका कलर भी वापस आ जाएगा और ये वापस से जिप्सम बन जाएगा. ठीक है, वापस ये जिप्सम बन जाएगा, जिसके अभी तक हम पढ़ रहे थे, पीछे हमने क्या देखा, पिछली स्लाइड्स में हमने क्या देखा कि इसके साथ फाइव वाटर मॉलिक्यूल्स यूजुअली लगे रहते हैं हर सॉल्ट के साथ. ठीक है, तो उसके बाद अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट की, तो उसके साथ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगा रह जाता है. ठीक है, जिसके कारण वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस. बट अगर इसको आप वाटर मॉलिक्यूल दोबारा ऐड कर देंगे, इसमें वाटर दोबारा देंगे, तो उसके साथ वाटर ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा जिप्सम, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा. बट हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बहुत काम की चीज है भाई, क्योंकि ये कहाँ कहाँ यूज होता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो फ्रैक्चर, अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर हो जाता है किसी को, तो उसमें बोन्स में फ्रैक्चर जो लगाते हैं उसमें प्लास्टर लगाते हैं. तो प्लास्टर सुना होगा, बोल प्लास्टर सबने सुना होगा. प्लास्टर क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, तो वो सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं कि ताकि बोन्स जो है वो आपस में जुड़ जाए. और कुछ टॉयज मेकिंग में, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज देखा गया. तो आप ये देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आप डॉक्टर हैं कि ये प्लास्टर लगा रहे हैं किसी की फ्रैक्चर हो गया है,
यहाँ पे आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए टॉयज, या ये आप पिक्चर देखिए कितनी सुंदर ये बनाई गई है फॉर डेकोरेशन पर्पसेस एंड फॉर आइडल्स जो है, फॉर वेरी ब्यूटीफुल आइडल्स और टॉयज दे हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है. सो इट इज ऑल फ्रॉम द प्लास्टर ऑफ पेरिस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. So I hope this part, this whole chapter is clear with you. And if you guys are facing any doubts, then no problem. You can comment me in the comment box. I will answer your queries. And if you like this video, then please press the like button and share this video with your friends. And subscribe to this channel by pressing the bell icon. Thank you so much. See you tomorrow with the new chapter, with a new video. Bye-bye. Take care.